हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए कोई अपडेट नहीं बल्कि कुछ इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस पेपर में आए थे HPPSC के। और किसी ने सोचा नहीं होगा कि हिंदी के इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ गए होंगे। तो HPPSC में जो भी थोड़े दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चंस आए थे, और 85 में से 30 क्वेश्चन जो थे हिंदी लैंग्वेज के यहाँ पे आए थे। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये हिंदी लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे GK और HPGK कुछ भी होता है, रीजनिंग होती है, मैथ्स होता है, वैसे हिंदी लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, ये आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं क्वेश्चंस में पेपर में। तो चलिए देखते हैं। वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी, वाक्य में विधेय है। तो इसमें विधेय होगा लंका में आग लगा दी। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा डी, डी इसका करेक्ट जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाथी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका होगा सारंग, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सारंग जो है हाथी का पर्यायवाची नहीं है। गज भी है, मतंग भी है, कुंजर भी है, वट ये बी जो है सारंग ये नहीं है। बी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विवाद में मौन रहना ही ठीक है, रेखांकित पद का विलोम है, यानी कि मौन का विलोम क्या है? तो मौन का विलोम है मुखर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा सी, अधि। अधि जो है यहाँ पे उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 84th क्वेश्चन की बात करें तो बाह कैसा सुंदर दृश्य है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। तो अर्थ की दृष्टि से विस्मयवाचक इसका करेक्ट आंसर, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो उसकी चोरी पकड़ी गई, रेखांकित वाक्यांश में क्रिया का प्रकार बताइए। तो जहाँ पे नीचे लाइन दी कि इसको बोला है ना उन्हें रेखांकित वाक्यांश, तो पकड़ी गई में जो है क्रिया का प्रकार बताना है कि कौन सा प्रकार है। तो इसका प्रकार होगा संयुक्त क्रिया। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम तो, वे लड़के दिन भर उधम मचाते रहे, तो रेखांकित पद क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है? तो दिन भर जो है क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है? तो ये है बी, कालवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट की बात करें तो कारावास का संधि विच्छेद करना है, ये बहुत ये इजी था क्योंकि ये हमने शुरू से पढ़ा है। 8th 10th में यहाँ पे संधि विच्छेद आती थी, 9th में, तो ये तो आना चाहिए। तो कारावास, कारा प्लस आवास, तो इसका सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पर्यावरण का संधि विच्छेद है, पर्यावरण का संधि विच्छेद करना है, तो परि जमा आवरण, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुहावरे भी हमने पढ़े हैं, तो घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। घड़ो पानी पड़ने का मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है लज्जित होना, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। कान भरना मतलब कि चुगली करना, तो इसका मुहावरे का अर्थ रहेगा चुगली करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर जब गाती हैं तब सभी झूम उठते हैं, वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो ये इसका जो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर, इसका उद्देश्य ये है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें तो आगे समास हैं, ये भी पढ़े हुए हैं, तो देखते हैं क्या है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में क्या संबंध है होता है? तो इसमें जो है ए और बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय, ये डी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों इसमें होंगे। यथाशक्ति समस्त कौन पद में कौन सा समास है? यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, तो अव्यय भाव, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज मैंने अधिक संतरे खा लिए, रेखांकित पद में विशेषण बताना है। अधिक में आपको विशेषण बताना है, तो इसमें होगा परिणाम परिमाणवाचक अनिश्चित, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रेमचंद हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार हैं, तो श्रेष्ठ का विशेषण बताना है, तो श्रेष्ठ जो है गुणवाचक है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शुद्ध रूप कौन सा है, सन्यासी को कैसे लिखा जाता है, मतलब सही जो है कौन सा यहाँ पे दिया है वाक्य, शुद्ध रूप कौन सा है, सन्यासी, सन्यासी भी नहीं होता, ये भी नहीं, डी भी नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सन्यासी, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, पीटी उषा बहुत तेज दौड़ी, तो तेज का आपको जो है क्रिया विशेषण किस भेद में के अंतर्गत आता है वो बताना है, इसका आंसर होगा परिमाणवाचक, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, से परसर का प्रयोग किस कारक के साथ होता है, तो इसका किस कारक के साथ होता है, तो इसका आंसर होगा अपादान, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो वृक्ष पर कोयल बैठी है, तो वृक्ष पर जो है इसका कारक बताना है, तो इसका कारक होगा अधिकरण, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम किस प्रकार का सर्वनाम है, ये भी 8th 9th 10th में हमने सब कुछ पढ़ा है, बट इसका इतना ध्यान नहीं रखते, बट ये यहाँ पे आया हुआ है, तो हम किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यह है उत्तम पुरुष वाचक, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो समय किस प्रकार का सर्वनाम है, तो समय जो है वो है निजवाचक, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो रसोई घर समस्त पद का विग्रह है, तो इसका होगा रसोई के लिए घर, रसोई का समस्त पद विग्रह है रसोई के लिए घर, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे कहते हैं, तो अगर आपने समास अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है द्विगु, द्विगु समास जो है इसका करेक्ट आंसर है बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अल्प प्राण का उदाहरण है, अल्प प्राण का उदाहरण क्या है, तो यह है द, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। कश किन वर्णों के संयोग से बना है, कश तो आपको देखना है कश किस किस के संयोग से वर्णों से बना है, तो इसका आंसर होगा ए, क प्लस श प्लस अ, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो युवा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा रूप क्या है, तो युवा से जो है भाववाचक संज्ञा रूप बनता है यौवन, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रांतिकारी शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है, क्रांतिकारी, तो क्रांतिकारी आता है डी जातिवाचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कवि का स्त्रीलिंग क्या है, तो कवयित्री जो है इसका करेक्ट ये है सी ऑप्शन, बाकी गलत लिखा हुआ इन्होंने, बट ये जो है कवयित्री करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट है का के की परसर का प्रयोग किस कारक के साथ होता है, तो इसका ऑप्शन है सी, संबंध के साथ इसका जो है प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े सीरियल वाइज थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं पीडीएफ में, तो आप देख लीजिएगा, और हिंदी की तरफ भी आप ध्यान दीजिए थोड़ा, क्योंकि 85 नंबर का ये पेपर था, जिसमें 30 नंबर के ये हिंदी ही आई थी, तो जिसने तो पढ़ा था वो उसका तो ठीक हो गया होगा, बट जिसने नहीं पढ़ा उसके नंबर छूट गए होंगे, तो सभी पे ध्यान दीजिए सारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।